सुनो, 9:30 बज गए हैं, सारी लाइट्स ऑफ कर दो। ओके सिस्टर। अगली मूवी के लिए इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्यों चूज किया? लुक मैडम, आपको रागिनी एमएमएस में कंट्रोवर्सी और स्कैंडल नजर आता होगा, मुझे उसमें एक
कहानी नजर आती है। लड़का लड़की को डर्टी वीकेंड के लिए एक सुनसान बंगलो ले जाता है। वहां पर वो MMS वीडियो शूट करता है। The MMS goes viral. The boy goes missing. लड़की कहती है कि वहां पर एक चुड़ैल थी जिसने लड़के को मार डाला। लेकिन लड़की का भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहते हैं इस इंसिडेंट के बाद वो पागल हो गई। पिछले 3 साल से वो एक मेंटल असाइलम में है। Now that is a story. मैं अपनी फिल्म वहीं पर शूट करूंगा जहां पर रागिनी का MMS शूट हुआ था। हॉरर फिल्म, हॉरर एंड का ऐसा कॉम्बो कि फिल्म देखने के बाद ऑडियंस को यह समझ में नहीं आएगा कि डर के मारे अपने मम्मी के पास जाए या एक्साइटमेंट के मारे अपने गर्लफ्रेंड के पास। रॉक, वन मोर क्वेश्चन। पूछो। आपने इंडस्ट्री के सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, पर आपने इस फिल्म के लिए टीवी स्टार्स को लिया है। Is it because आपकी लास्ट फिल्म फ्लॉप होने के बाद कोई बड़ा एक्टर आपके साथ काम नहीं करना चाहता? This was a conscious decision. Okay. My story is real. This incident is real. Stars मूवी को फेक बना देते हैं। And as for the female lead, that is a surprise. वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो सब स्टार्स की छुट्टी कर देगी। She is going to put the roar back into Ragini. Ladies and gentlemen, thank you. Pagal, मजा आ गया। The audience reaction was superb, Rox. What an energy. ये स्कल, ठीक है? And you are? Gina, art department. Yeah, whatever. Rox, hey Gina, छोड़ना यार। I'm going to make a blockbuster. Yeah, Daddy. Tanya. Oh, hi. Is that Ashish Kapoor ji? Yeah. Please tell him I loved his last film. Just loved it. Sure. Oh, sorry, Daddy. Ugh, it's nobody. It's just Rox. Yeah. अगर ये आशीष कपूर जी की बेटी नहीं होती तो इसको असिस्टेंट कभी नहीं रखता। What a waste. ना कोई काम करती है ना किसी और काम आती है। सनी का कमरा, सनी का मेकअप रूम। सनी। आंखें बंद कर। क्यों? इसके चेक पे तूने साइन किया है? आंखें बंद कर। हेलो गॉर्जियसनेस। नो वन टॉट यू टू नॉक? एक्चुअली नो। मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? लगी कब? अरे जब तुम हेवन से गिरी थी। अरे खुले दरवाजे पे नॉक क्यों कर रहा है? आजा। Because that's what gentlemen do. Please come in. आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम दोनों का ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये है सत्य कुमार, फेल्ड नॉवलिस्ट, लेकिन फ्यूचर में बनेगा सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर। मुझसे जो मिल चुका है। हाय, मैंने आपकी लास्ट नॉवल पढ़ी थी। आप किताबें पढ़ती हैं? और स्क्रिप्ट्स भी। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट टाइम पर भेज देते अब तक पढ़ चुकी होती। मुझे चलना चाहिए। हाँ, वैसे भी बातें ज्यादा हो चुकी हैं। और वैसे भी तुम्हें आफ्टर पार्टी के लिए रेडी होना है। पूरा कास्ट एंड क्रू होगा वहां पे। और वो अपने फिल्म के दो स्टेपनी एक्टर्स हैं, मोनाली एंड मैडी, उनसे भी मिल लेना। सॉरी, आई कांट। मुझे कल सुबह मेंटल असाइलम जाना है। मेंटल असाइलम? तभी तो ठीक है ना? मुझे फाइनली रागिनी से मिलने की परमिशन मिल गई है। रागिनी? अब ये रागिनी से क्यों मिलना है? रिसर्च ऑब्वियसली। सो इफ यू विल एक्सक्यूज मी, गुड नाइट। रिसर्च? ये पोर्नो से ऋतु पोर्नो कैसे बन गई? तू क्या सर बे? वो मेकिंग वाला पहुंचा लोकेशन पे? पहुंच गया सर, पहुंच गया। हाय।
हाय गाइस, आई एम करण और आज मैं आपको इंडिया की सबसे अवेटेड फिल्म रागिनी MMS के बिहाइंड द सीन्स में लेके जाने वाला हूँ। आई नो कि आप सब सनी लियोनी को देखना चाहते हैं एंड नॉट मी। और वैसे भी बाकी की फिल्म की यूनिट तो कल आने वाली है, तो तब तक थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हॉरर फिल्म का असली मजा तो रात को अकेले में ही आता है। Let's check it out and be scared. Ragini MMS, day zero, come. All right. अबे ये क्या है? ये कौन सा हिस्सा है घर का? इसको पेंट क्यों नहीं किया शूटिंग के लिए? एकदम creepy लग रहा है यार। I better find my way back to the other side. थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है ना। Let's see. ये तो वही रूम है ना जहाँ पे उदय ने रागिनी की। कोई मेरा MMS भी तो बनाओ। या, 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 ओ, ओ। What the hell is this? और रागिनी तू भी किंकी निकली। यहाँ पे आए तो रागिनी का MMS देखना बनता है यार। ओह या, यू डर्टी लिटिल थिंग। ओह या, आई लाइक डर्टी गर्ल्स। कौन है? कौन मजाक कर रहा है? Listen, I don't get scared, okay? कौन है कबर्ड में? This is not funny, okay? कौन है? आप रागिनी को पहले से जानती हैं? जरा संभल के। Hi, Ragini. I'm Sunny. हम एक फिल्म बना रहे हैं तुम्हारे और उदय के साथ जो हुआ उसके बारे में, और उसमें मैं रागिनी बनने वाली हूँ। Tell me, Ragini,
लोग कहते हैं कि उस घर में कुछ है। उस घर में चिटकिन थी, उसने उदय को मार डाला। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, मुझे भी मार डालेगी। वो अभी भी यहीं पर है, मेरे पीछे खड़ी है। मुझे मार डालेगी, मुझे बचाना, नहीं मुझे बचाना, मुझे मार डालेगी। रागिनी, रागिनी तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है रागिनी। नहीं नहीं रागिनी, प्लीज काम डाउन। मैंने उदय को मारा, मी त्याला मारूं टाकला, उसका खून जैसे टिप टिप करके मेरे पैरों के पास इकट्ठा हो रहा था। माला खूब मजा आ ली, मैंने मार डाला उसे। प्लीज मुझे बचाना, प्लीज, नहीं मुझे बचाना, मेरे पीछे खड़ी है। रागिनी, रागिनी तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, प्लीज काम डाउन। नीचे गिर नहीं रागिनी, आई एम सॉरी, मी माजा मुलीना नहीं माना। रागिनी क्या कर रहे हो? डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि रागिनी के साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है ये हम सब जानते हैं मैम, उसने खुद पे अटैक किया है। यही तो मैं कह रही हूँ डॉक्टर, कि उसने खुद को अटैक नहीं किया है, उसे करवाया गया है। करवाया गया मतलब? डॉक्टर बत्रा, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। जी जी डॉक्टर, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बैठिए, बैठ के बात करते हैं, आइए बोलिए। मैं जानती हूँ डॉक्टर कि आप मुझ पर यकीन नहीं करोगी, और डॉक्टर बत्रा को भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि रागिनी के सेल में नॉर्मल से ज्यादा ठंड होती है, कि रागिनी को कोई सेंसेशन फील नहीं होती, सर्दी गर्मी दर्द, कि रागिनी एक ही वर्ड एक ही एक्शन बार बार रिपीट करती है, और डॉक्टर्स उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए ट्रीट कर रहे हैं, है ना। देखिए, ऐसी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन नहीं होता, हर केस अलग होता है, और आंसर्स जानने के लिए प्रॉब्लम की तह तक जाना पड़ता है। आप फिक्र ना करें, मुझे थोड़ा वक्त है, आई गेट टू द बॉटम ऑफ इट। टेक केयर। हाय, ऑफ कोर्स। सिस्टर? यस मैम। वो कौन है? ये डॉक्टर मीरा दत्ता है, न्यूयॉर्क से पिछले हफ्ते ही आई है। थोड़ी अजीब है, पर दुनिया की बेस्ट साइकेट्रिस्ट में से एक है। अजीब क्यों? क्योंकि जिन केसेस का मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता, वो खास उन्हीं केसेस को चुनती है। हेलो गॉर्जियसनेस, इज इट हॉट और इज इट जस्ट यू? Global warming? Come on. Hey. I'm sorry. He's the original kebab mein haddi. Kya hua? किसी बात से अपसेट हो क्या? नथिंग, जस्ट अ हेडेक। कल जब से रागिनी से मिलके आई हूँ, जस्ट फीलिंग अ बिट सिक। साइको से मिलने जाओगी तो यही होगा ना, नॉर्मल लोगों के साथ रहा करो, पैरानॉर्मल लोगों के साथ नहीं, खुश रहोगी। यानी तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो?
एक सेकंड रॉक्स, रोकना। ये क्या लिखा है? सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले आना वर्जित है। What's वर्जित? वर्जित का मतलब मना है। अरे सब बकवास है। ASI का साइन बोर्ड है रॉक्स, कुछ तो बात होगी। अभी ASI कौन है? ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैंने पढ़ा है कि ऐसे साइंस ये लोग तभी लगाते हैं जब कोई जगह सच में हॉन्टेड होती है। राजस्थान में भानगढ़ और अजबगढ़ के फोर्ट्स पे ऐसे ही ASI साइन बोर्ड्स लगे हैं रॉक्स। अरे तुम लोग बेकार में लोड ले रहे हो, ये मेरे एंथू कटलेट आर्ट डिपार्टमेंट ने लगाया होगा शूट के लिए। यानी हम लोकेशन पहुंचने वाले हैं? यस, बस यही 2 मिनट तो दूर है। तुम्हें शहर के पास जगह नहीं मिली थी क्या? ये तुम सत्या से पूछो। इस बंगलो में शूट करने का माइंड ब्लोइंग आइडिया मेरा नहीं, इसका था। चले या। ओए राइडर, चले। सीरियसली रॉक्स, ऐसी जगह में घर ऐशो? घर तो बाहर से खंडर है, अंदर से तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल एंड रेडी फॉर शूटिंग गॉर्जियसनेस। सब नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट पीपल। और बाकी क्रू? बाकी क्रू एक होटल में रहने वाले हैं, because they believe कि यहाँ एक चुड़ैल है। अगर यहाँ सच में कोई चुड़ैल है तो? तो उसे भी इस मूवी में कास्ट कर लेंगे। Come, I'll show you to your room. यहाँ रूम्स तो अच्छे हैं ना? 2.5 घंटे दूर वाले होटल से तो बेटर है। उस घर से मीलों दूर रहना। हाँ, मनुष्य है वो घर, उस घर से अपने आप को बचा कर रखना। मुझे ना आपके साथ कुछ आइडियाज डिस्कस करने थे। रॉक्स जी, मेरे को ना मेरे कैरेक्टर के बारे में मैनी डाउट्स हैं। डिस्कस कर लें क्या? शिट्स टू फास्ट। ओके रॉक्स जी, आपको नहीं लगता कि मेरे कैरेक्टर का ग्राफ कुछ डाउन जा रहा है? वैसे तो मेरे कैरेक्टर में बड़े शेड्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, मैजेंटा। शिट्स यार, कुछ फीलिंग्स ही नहीं आ रहे हैं। मूड मूड। अच्छा सनसाइन क्या होगा मेरे कैरेक्टर का? ट्रिप मैचेस। ये मेरा कमरा है, दिख रहा है? फैन है मेरा।
ऑटोग्राफ चाहिए? चल तू फोटोग्राफ रख बस, चल मैं अपना कमरा ढूंढ रहा हूँ। कमरा? तेरा कमरा? अच्छा एडी छड़ी है तू? देख भैया एडी, ये है वीआईपीओ का एरिया, ओके फॉर एक्टर्स ओनली, इसे फटाफट निकलने यहाँ से, चल जा जा जा, गुड बॉय। और सुन, बाहर जाते थे स्पॉट को बोलना एक सैंडविच और एक चाय, रेड ब्राउन और टी क्रीम। बड़ा कमरा एडी। एक्सक्यूज मी शख्स, यस सत्या, तब से आई फाइंडिंग यू, मेरे को स्क्रिप्ट मिल जाती ना तो मैं जिक्सास कर लेती ना आपसे। सत्यकुमार, अभी सत्यकुमार, अरे जी सत्यकुमार। एक्सक्यूज मी, मुझे अगर स्क्रिप्ट की कॉपी मिल जाती ना तो मैं रॉक्सी के साथ प्रैक्टिस कर सकती ना। अरे यार प्रॉब्लम तो ये, किसी ने मेरा इंट्रो नहीं कराया। परविंदर ढिल्लों, फ्रेंड्स कॉल मी मैडी। मुझे ना मेरे एक सीन में मैनी डाउट्स है, क्या मैं क्लियरिफाई कर सकती हूँ आपके साथ? हाँ एक ही तो सीन है इसका, सर आप मुझसे बात करो। मैं ना अभी की अभी आपको अपना बीबी पे भेज रही हूँ, ओके काइंडली प्लीज ऐड मी। हाँ प्लीज बीबी पे ना, मुझे बताओ, मुझे बताओ एक मिनट। और फिर ना हम लोग दोनों ना मेरा सीन डिस्कस करेंगे इमोटिकॉन्स के साथ। एक ही सीन के लिए क्या पिन देना, अब मेरे को बताओ। मैं सोच रहा हूँ एक नया फोन ले लूँ बिना इंटरनेट वाला। साला अरे बट हाउ आर कॉन्टैक्ट्स यू? बिजी? बहुत। ठीक है तो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखो मैं जैसे ऐसे तुम्हारा सीन लिखता जाऊंगा तुम्हें देता जाऊंगा। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुमसे नहीं, इस बात से कि तुम इस फिल्म के लिए गलत हो। I can't believe you just said that, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस रोल के लिए बिल्कुल गलत हूँ। But I didn't think ये बात मेरे मुंह पे बोलने की किसी की हिम्मत है। माँ हमेशा कहती है कि मैं जरूरत से ज्यादा सच बोलता हूँ। सारी गलती उन्हीं की है, उनको तुम्हारा नाम सत्या नहीं रखना चाहिए था। मैं भी उनसे यही कहता हूँ। चलो तुम और मैं किसी बात पर तो अग्री करते हैं, ऐसा लगता है। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। अब चले नीचे, सब वेट कर रहे हैं। और फिर मोनाली चुड़ैल को देखती है। अरे चुड़ैल को छोड़, हीरोइन कहाँ पे? सर सर सर, दिस इज ओके? या कांट एक्सेस माय फेसबुक। 99 100। मैं चाहती हूँ कि मैं उस एक्सप्रेशन को लाऊं अपने एक्टिंग में। तुम्हें क्या लगता है? It's too worst, यार। चेहरा देख अपना। उत्तर गया है। जैसे मेरा कोई महा एपिसोड मिस कर दिया हो। ये राइटर क्या उखाड़ लेगा? मैं तो सीधा रॉक्सी के पास जाऊंगी, बेस्ट। यार तुम सारी की सारी एक्ट्रेस या डायरेक्टर या राइटर, हम एक्टर्स का क्या होगा? एक्सक्यूज मी, एज यू नो मेरे लोकल वाला बैक लेन में 2-2 BFs हैं। वैसे भी कॉम्प्रो करूंगी ओनली फॉर रॉक्स जी। ये जो तानिया है ना, आशीष कपूर जी की बेटी है ना, ये तेरे सपने में भी नहीं पटने वाली है। तू इसके साथ सेटल कर ले जीना। ठीक है, उसके पता नहीं कहां कहां टैटू होगा, छेद भी इधर सारे करा रखे, कहीं मैं कंफ्यूज ही ना हो जाऊं। पटवर्धन विला दहानू महाराष्ट्र, बिल्ट इन 1920, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस। आसपास के गांव वाले कहते हैं कि उन्हें अक्सर यहाँ कोई प्रेजेंस फील होती है, जैसे कि ये घर ही नहीं चाहता कि कोई इसके अंदर आए। पिछले 100 सालों में यहाँ कई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। लास्ट रिपोर्टेड इंसिडेंट वॉज रागिनी एंड उदय। इनफैक्ट ASI ने इस घर के आगे बोर्ड भी लगा रखा है कि सनसेट के बाद और सनराइज के पहले
अंदर जाना मना है। ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ? बद्रीनाथ पटवर्धन स्पाइस मर्चेंट, 100 साल पहले इंडिया के लीडिंग मिर्ची ट्रेडर्स, अपने परिवार के लिए बड़े शौक से ये बंगला बनवाया था। ये औरत कौन है और हर तस्वीर में इसकी शक्ल को इस तरह काटा क्यों गया है? कहीं ये पटवर्धन की बीवी तो नहीं है? ओह माय गॉड, मिसिंग चिल्ड्रन चाइल्ड सैक्रिफाइस, यानी बच्चों की बलि दी गई थी। व्हाट द हेल हैपेंड? कम इन। अरे सुन, एक्सक्यूज मी, सॉरी, नॉट टुडे प्लीज। मैंने ऑलरेडी अपनी आईलैश निकाल दी है। तो मैं तुम्हारे साथ हुकअप नहीं कर सकती मींस। अरे पागल, मेरा लाइटर खराब हो गया है, वो लेने आया हूं। ऐसे पूरे घर में मैं ही इकलौती हूं ना जिसके पास लाइटर है। अब देगी। उफ, सो बोर यार, ये ले। टेक इट टू द बॉल्स। ड्रैग देना। अबे ड्रैग मांग रही तो कुछ और मांगेगी? प्लीज माइंड मत करना, लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ थैंक्स डार्लिंग। स्टार्टिंग में सारी लड़कियां ही। तूने सुना कुछ? हाँ, तेरी बकवास। अरे तू देख, देख पीछे मुड़ के देख एक बार, यहाँ से कोई है अभी? अरे तेरे पीछे कोई है, मैं बोल रहा हूँ एक बार। हाँ, मेरे पीछे तू ही है जब से मैं इस घर में आई हूँ। पहले दिमाग से पैदल था, अब यहाँ से पैदल हो जा। चल गेट आउट, गेट आउट फटू, चल निकल ना। प्लीज एक बार पीछे मुड़ के देखना, कोई तो है यहाँ पे। कौन है? कोई नहीं। सो डफर, डोले शोले बनाने से कोई मैकमैन नहीं बजाता। चल फट्टू सिंह निकल। होलसेल में बकवास की जा रही है, मैं बोल रहा हूँ मुझे लगा यहाँ से कोई है। अच्छा प्लीज, हाँ प्लीज, तू फट्टू चल निकल, निकल यहाँ से, चल निकल ना, गेट आउट। सो वर्स्ट यार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, तू पागल तो नहीं है? देखो जय माता दी, जय माता दी। अबे क्या है, कौन मर गया यार? क्या चाहिए? लेसन। अबे स्लो मोशन। टेक दिस नाउ। ये कल की कॉल शीट है, तुम फोन आंसर नहीं कर रहे थे, सो वी फ्रीक्ड आउट। वर यू बिजी? हो भी सकता हूँ, तुमसे मतलब। चल भाग यहाँ से। सनी? हाँ, क्यों? तो फिर तू इतनी जल्दी शावर से निकलकर कॉस्ट्यूम चेंज? एक्सक्यूज मी, क्या मच टू मच कर रही है यार तू? मैंने कहा तो था शावर में मेरा वेट करने को। आर यू इंप्लाइंग कि मैं तुम्हारे बाथरूम में थी? तो नहीं तो क्या मैं शीला की जवानी हूँ जो खुद से मेकआउट कर रहा था? इसका जवाब सिर्फ तू ही दे सकता है मैडी। बस हो गया मैडी, मजाक की भी हद होती है, बहुत हो गया तमाशा। ओ हेलो, मैं कोई ठरकी पीपा नहीं हूँ, टीवी स्टार हूँ। आज भी 600 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मुझे डेली की। यार बात कर रहा है यार तू, ये मिस्टर चावर में थी यार, तू बता दे कि नहीं सबको कि मिस्टर चावर में थी? ब्लडी पर्व है इसको। अरे मैं डूड सनी, सची वहां पे देर साथी क्या? अरे आई स्वेयर यार, मैं ट्यूसडे को झूठ नहीं बोलता। साले कुत्ते, क्या माइंड ब्लोइंग माल भेजा तूने यार। अच्छा एक काम कर, एक दो तो और भेज दे, ठीक है? ओके थैंक्स। अगली बार ऐसा करूंगा, कटरीना या करीना को इमेजिन करूंगा, या विद्या, लेकिन 25-30 किलो कम। विद्या
साउंड रोल कैमरा रोलिंग टेक 15 एंड एक्शन। उदय उदय तुम कहाँ हो? बचाओ कट 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 इट। अरे यार कोई लाइन दो। रॉक्स कैन आई जस्ट टेक 5 टेक 10 बेबीनेस। ते चाय लाओ कोई। हर टेक के बाद कैन आई टेक 5 करेगी तो हमारी तो लग गई ना बेटे। एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस। अब आप देखो ना मेरे टीवी का एक्सपीरियंस मेरे कितने काम आ रहा है। अच्छा, अब इतने सारे शॉट्स होते हैं, रिएक्शन शॉट्स, एक्सप्रेशंस, इतने सारे एक्सप्रेशंस चेहरे पे, टैलेंट भरा हुआ है अंदर से। दिखाऊं मैं आपको? नहीं दिखाऊं। रोमांस कट इंटेंस कट बदले किया कट बाप बनने की खुशी कट माँ की मौत कट। ये होता है सर टैलेंट, एक्सपीरियंस इसी से आता है। अरे एक्सपीरियंस उसको भी तो है। तेरी माँ ची सर। शायद तुमने सही किया, ऐसे लोगों को यही भाषा सुन में आती है। So tell me, why do all men on this unit think I'm a whore? Not all men, सिर्फ वो जिनका दिमाग उनकी पैंट में। So all men? No, not all men. I'm sorry,
गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता है क्या हो गया है मुझे। जब से आई हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो मेरे साथ। क्यों अजीब लग रहा है? ठीक हो तुम? पता नहीं, सर दर्द और। सनी मैम, क्या मैं आपका टचअप कर दूं? बस 5 मिनट में। ओके। क्या हुआ ये? नथिंग। एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके? सत्या? या? यू आर राइट, सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। इस वाले सीन के लिए टच रखेंगे, ओके? आई वांट द लाइटिंग अ लिटिल सबड्यूड, ज्यादा लाइट्स नहीं चाहिए, ओके? समझ गए ना? लेट्स गो। हेलो बेबीनेस। हाय। कम। एक्सक्यूज मी। आइए ना, बैठिए बैठिए। रॉक्सी, आप मुझे मॉनिटर क्यों नहीं दिखाते? I'm तो fully the director's actor. Yeah, yeah. What I'll do now? अभी आपको हम लटकाएंगे उल्टा और आपको ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे चुड़ैल दिख गई, ओके? लाइन याद हो गई? बचाओ बचाओ, बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ रॉक्सी। Yeah, very good. अभी चलो इसको लटकाओ, लटकाओ इसको। कम कम प्लीज, आइए ना बैठिए। कम। ओके रेडी? स्टंट बॉय उठाइए। बचाओ बचाओ। ओके इसको घुमाओ अभी। बचाओ। नाउ एवरीवन रेडी? रोल साउंड। रोलिंग। कैमरा। रोलिंग। शॉट 5 टेक 1। बचाओ 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 बचाओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अरे परफॉर्मेंस से हिला दो। हाँ यस वेरी गुड वेरी गुड। और हिलाओ चिल्लाओ। बचाओ। अरे परफॉर्मेंस से निकालो। Brilliant performance, Monali. Brilliant. अरे क्या improvisation था? अरे तुम तो बिल्कुल character में घुस गई थी। अरे ढाओ ढाओ। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। अरे ताली बजाओ ताली। क्या performance था? Very good, Monali. Very good. मजा आ गया. Very good. अच्छा बहुत हो गया. Shut up. चलो pack up. जल्दी करो सब लोग, रात होने के पहले हमें यहाँ से निकलना है। रात का शूट हुआ तो तब का तब देखा जाएगा। हमें यहाँ भूत और चुड़ैलों के साथ थोड़ी रात गुजारनी है। तुम्हें पता है जब रॉक्स मुझसे पहली बार मिलने आया था उसने कहा था कि वो मेरी एक्टिंग का फैन है। तुमसे क्या कहा था? कि उसे मेरी किताबें पसंद है। और तुमने उसकी बात मान ली? बेसिकली उसे पता था कि रागिनी की फैमिली उनकी कहानी लिखने के लिए सिर्फ तुम्हें परमिशन देगी। वो तो मैं समझ ही गया था। उसने मेरी एक भी किताब नहीं पढ़ी है। ऑफ कोर्स नहीं पढ़ी,
रॉक्स के तो एसएमएसएस भी पांडे जी पढ़ के सुनाते हैं। कम ऑन चियर अप, रॉक्स पे कितना और टाइम वेस्ट करोगे? मैं रॉक्स की नहीं मुनाली के बारे में सोच रहा हूँ। आज सेट पे जो हुआ था, अगर सच में मुनाली ने सीलिंग पे कुछ देखा हो तो? मुनाली इज अ ड्रामा क्वीन, वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ कोई भूत नहीं है। रागिनी की माँ को ऐसा नहीं लगता। मतलब? रागिनी की माँ का विश्वास है कि इस घर में कुछ है और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस घर से दूर रहूँ, पर मैं फिर भी ये आइडिया रॉक्स को दे आया। पर अब लगता है कि शायद मैंने अपने करियर के खातिर हम सबको खतरे में डाल दिया। सत्या, डोंट बी सिली, हम सब अपने अपने करियर्स के लिए यहाँ आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। अगर मेरे वजह से किसी को भी कुछ भी हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। किसी को नहीं, तुम्हें जरूर होगा। अगर तुम इस रेट से विस्की पीते रहे तो कल सुबह तुम्हारे सर में हथौड़ों का ऑर्केस्ट्रा बजेगा। तुम मुझे पीने से रोक रही हो? नहीं, मैं तुम्हें अकेले पीने से रोक रही हूँ। ध्यान से मैडम, दो ड्रिंक्स के बाद मेरे जैसे लड़के भी हैंडसम लगने लगते हैं। बारिश रुक गई है, चले? Yes. फैमिली खत्म हो गई, लेकिन ऑब्चुरी में पटवर्धन ने सिर्फ बच्चों का नाम दिया। That's weird. बच्चों की मां का क्या हुआ? कॉफी। फाइनली हियर कम्स माय ग्रेट असिस्टेंट निशांत। कहां थे? ब्राजील से कॉफी बीन्स लेने गए थे। अरे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं थोड़ी देर बाद भी आता ना, तब भी आप यहीं की यहीं होती। जस्ट टक टू योर सीट। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो, और ऊपर से यू आर सो बिजी, फिर भी ये फ्रीकी केसेस के लिए टाइम निकालते रहते हो। आई मीन फंडा क्या है बॉस? आई एम ऑन टू समथिंग। अरे डॉक्टर डी, ये सब भूत प्रेत चुड़ैल हॉन्टेड हाउस वाले रूमर्स ना उन्होंने फैलाए हैं, ये सब पीआर मशीनरी का काम है रॉक्स की। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम विद यू गाइस इज, तुम लोग बहुत सिनिकल हो। एनीवेज, रागिनी के मेंटल असाइलम का फुटेज कहां है? मैंने देखा, आई विल शो इट यू। अपने ध्यान से, रागिनी ना अपने बेड पर ऐसे बैठी है और उसके चेहरे पर साला कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, और बस आगे पीछे रॉक करती जा रही है for freaking 2 years. I nearly died of boredom, man. I'm so glad you liked it. I need the tapes on the table tomorrow. लेकिन listen, tomorrow. Tomorrow. अरे but see, listen. Yes. रागिनी. Thank you.
सनी कब से ढूंढ रहा हूं यार तुमको, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहां क्या कर रही हूं? मैं यहां क्या कर रही हूं मतलब, तुमने स्लीप वॉक तो शुरू नहीं कर दी ना? ऐसा मत करना, सारा का सारा क्रू तुम्हारे पीछे चलता मिलेगा। चलो गेट सम रेस्ट। और शूट? शूट आज नाइट शिफ्ट है, आज रॉक्स का स्पेशल मूनलाइट सीन। चलो कितनी बार कहूं इस वीडियो में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने भी कहा है ना, जब तक हम सारे वीडियोस देख नहीं लेते हम यहां से हिलेंगे नहीं, ना तुम ना मैं। सो शट अप। ग्रेट। सत्या भाई क्यों मधुमक्खी के छत्ते की तरह मुंह मिला के बैठा है यार? आ जाओ मजे कर रहे हैं सब साथ में बैठे, आ जा यार। अरे आ रहा है यार, आ रहा है। ये रॉक्सी ना एक ही करके हमारे सारे सीक्रेट निकाल रहे हैं। आपको मालूम है क्या, ये तानिया और कुणाल का ना अफेयर चालू है 2 महीने से। कैंडल ऑफ द सेंचुरी। लिसन यार गाइस, प्लीज डोंट टेल एनीवन अबाउट अस। हां हम लोग और कुछ काम नहीं है क्या? तेरे अफेयर के बारे में स्टेटस अपडेट थोड़ी करने वाले हैं हम लोग। अरे सत्या भाई ए, रुक 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 रुक, बहुत पाड़ू गेम है, बहुत पाड़ू। मैं बताता हूँ, देख गेम का नाम है नेवर एवर, आई हैव नेवर एवर, ठीक है ना भाई? तो हम में से कोई भी एक सेंटेंस शुरू करेगा आई हैव नेवर एवर से, और अगर तूने वो चीज की है तो तेरे को अपनी ड्रिंक बॉटम्स अप, समझ गया? अरे सिंपल है यार, देख जैसे मैं बोलूंगा हाँ आई हैव नेवर एवर डन इन एरोप्लेन, तो अगर तूने एरोप्लेन में कांड किया है तो अपनी ड्रिंक, बस सही ना? चलना यार, कोई जबरदस्ती नहीं है, चल। या सत्या, कम ऑन। चीयर्स। मेरा भी रिफिल। ये लो। देयर यू गो सर। रेडी रेडी रॉक्सी। हां रेडी रेडी। सत्या जी आपकी टर्न, आपकी टर्न। आई हैव नेवर एवर प्लेड दिस गेम। इन दोनों को कपड़ों से क्या एलर्जी है? पनिशमेंट है, अगर तुमने कोई वेयर्ड सा नेवर एवर दिया तो पनिशमेंट मिलती है। ऑल इन ऑल ये दारू पीने की गेम है, तुम्हारे राउंड में अगर किसी ने सिप नहीं लिया ना तो सजा मिलेगी, सजा। जीना मरे या ना मरे, खुशी से मैं जरूर मर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम सबकी रेड कौन लगाएगा? कम ऑन, पार्टी ओवर। कुणाल। यस सर। अभी तक यूनिट की बस क्यों नहीं आई? सर मैंने कई बार फोन किया, ड्राइवर फोन ही नहीं उठा रहा। तो बस में किसी और को फोन करो, थोड़ी देर में चांद निकल आएगा, हम देर नहीं कर सकते। देर नहीं होनी चाहिए। शी इज राइट। यस सर। एवरीबॉडी कम ऑन बैक टू वर्क। जीना ब्लड एक्स हैंडकफ्स। हैंडकफ्स? शिट, गिव मी 5। ताई, ताई, मैं तुमको बोलने को आई कि मेरे को आज जल्दी घर जाने का है। क्यों जल्दी जाना है? क्या ताई, मैंने बोला तो था आज मेरा महाकार्तिक पूर्णिमा का उपवास है, आज रात को बुरी शक्तियों की पूजा होगी। क्या हुआ, डर गई? भूत प्रेत में बहुत विश्वास करती हो क्या? साहेब भगवान को मैं मानती है तो बुरी शक्तियों को भी मानना चाहिए ना। हाँ आज महाकार्तिक पूर्णिमा है, आज की रात बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, तभी उनकी शांति के लिए हम ये
पूजा और उपवास रखते हैं। बुलशिट, दिस इज ऑल बुलशिट। ताई, लगता है ये लड़की पे ना कोई चुड़ैल चढ़ी हुई है। हाँ। तुम्हें कैसे पता? अब वो डॉक्टर डी प्लीज, अब आप वापस शुरू मत हो जाइए, ओके? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों को यहाँ नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। आपकी चुड़ैल का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे कच्चा खा जाएगी ना यार, समझा करो। साहेब, ये हंसी वाली बात नहीं है। हाँ ताई, हमारे में बोलते हैं कि कोई भी चुड़ैल ना किसी पे तभी चढ़ती है जब उसे अपनी अधूरी कहानी सुनानी हो। ओह रियली? इज इट सो? मतलब वो अपनी कहानी सुनाती कैसे है, बोलो। साहेब उल्टा, किसी भी शरीर पे जब वो कब्जा करती है ना तो उल्टा ही बोलती है, सीधा बोलती नहीं है। भाई आप मेरे लिए खाना लेके आइए। हाँ ताई। निशांत, यू वांट टू गो होम राइट? या डॉक्टर डी। यू गो होम, वी कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू डॉक्टर डी। और डॉक्टर डी, भूतों से थोड़ा ब्रेक ले लेना, ओके? गुड नाइट। मी चिटकी नहीं है, मी माझा मुलाला खूप प्रेम करते, मी माझा मुलाला माझ्या मुलांपेक्षा जास्त प्रेम करते। मी चिटकी नहीं है, मी माझ्या मुलाला नहीं मारना, मी माझ्या मुलाला नहीं मारना, मी चिटकी नहीं है। क्या बोला इसने? माझ्या मुलाला माझ्या मुलांपेक्षा जास्त प्रेम करते। मुझे मेरी बेटियाँ बहुत पसंद है, पर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मला माझ्या मुली आवडतात। मुझे मेरी बेटियाँ पसंद है, पर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। दर सोमवारी मी उपास, 5 साल तक हर सोमवार व्रत रखा था, फिर जाके पैदा हुआ था वो। मैं वो मनहूस दिन कभी नहीं भूल सकती। इनके बाबा काम से शहर गए थे, तीनों छुपा छुपी खेल रहे थे, और फिर अचानक मुझे उसकी चीख सुनाई दी। जब तक मैं पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। मुझे किसी बात का होश नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस एक सवाल था, मेरा बेटा उठ क्यों नहीं रहा? घंटों तक पागलों जैसे उसे अपने सीने से लगाकर लोरी सुनाती रही। जो जोरे बड़ा जो जोरे, बड़ा जो जोरे पाई घुंघर पाई घुंघर। और फिर किसी ने मुझे उम्मीद दी। और तेरा सबसे बड़ा फर्ज है बलिदान। मैं अपने बेटे के दुख में इतनी सुन्न हो गई थी कि मुझे अपने बेटियों की चीखें भी नहीं सुनाई दी। ओम रीम क्लीम चमना। ये पकड़, आंखें बंद रखना और मंत्र पढ़ती रहना। बाहर गांव वालों तक बात फैल गई। तांत्रिक उसी वक्त वहां से भाग गया। पर मैं गांव वालों के लिए मैं एक ऐसी माँ थी जिसके हाथों पे खून था, अपनी ही बेटियों का खून। उन लोगों ने मुझे पेड़ से टांग दिया। मैं चिल्लाती रही कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं आती हूँ भाई।
What's going on? सबसे ग्रैंड छोटे छोटे मैडीज कैसे हैं सब हाँ? हाँ? ये? 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 कौन है नीचे बोल कर रहे यार कौन है वो सनी बेटा सुबह तूने राउंड वन जीत लिया और मैं राउंड टू का स्पेशलिस्ट हूं अब भी आ रहा हूं जंगल में मिंगल करने कहां क्या किधर रखा है ये आज इसे उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा अन्य खबरों में रानी मेंटल असाइलम में आज एक अजीब किस्म की मौत हुई जिस शख्स की मौत हुई निर्माता निर्देशक रॉक्स उसी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बना रहे हैं हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसका MMS कुछ साल पहले लीक हुआ था हाल ही में रागिनी एक बार फिर से सुर्खियों में आई जब मशहूर फिल्म डायरेक्टर रॉक्स ने उसकी कहानी पर आधारित एक फिल्म अनाउंस की मगर अफसोस रागिनी अब ये फिल्म कभी नहीं देख पाएगी रागिनी की मौत के साथ ही उसकी ये दर्दनाक कहानी भी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई हेलो हेलो आंटी मैं सत्या बोलो सत्या आंटी आई एम वेरी सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है सत्या मैं तो बोल बोल कर हार गई पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी मेरी रागिनी पागल नहीं थी सच तो ये है कि उस पर एक चुड़ैल का साया था आंटी अगर एक मिनट के लिए मान भी जाए कि रागिनी में चुड़ैल थी तो अब वो कहां गई भगवान करे कि वो वही वापस चली गई हो जहां से वो आई थी आंटी रागिनी की मौत हुई कब चार दिन पहले तो तुम्हारी उस फिल्म की हीरोइन मेरी बेटी से मिलने आई थी ठीक उसी दिन
just feeling a bit sick. इस घर में कुछ है. आंटी रागिनी के हाथ पे जो निशान था, वो निशान भी अचानक उसके हाथ से गायब हो गया. मुर्दा इंसान के हाथ से भला निशान कैसे मिट सकता है सत्या? ना तो वो निशान गायब हुआ है और ना ही वो चुड़ैल. हेलो. थैंक गॉड. हेलो मिसेस शिंदे. हाँ डॉक्टर दत्ता बोली. मुझे इस घर में किसी से बात करनी है अभी. हाँ मैं सत्या का नंबर अभी भेजती हूँ. कुकड़ोकू सनी. सनी कहाँ छुप गई यार तू? ये सनी मेरे साथ स्ट्रिप टीज. अबे टीवी का कंज्यूमेशन किंग हूं मैं. जब भी स्वागत बनाता हूं ना तोड़ू फोड़ू टीआरपी आती है. तू भी आ जा सनी. बेटा सनी कम टू पापा. पानी सनी कम ऑन हनी. आज तो वाटर के अंदर सनी. सनी सनी सनी. The customer you are trying to reach is busy on another call. रॉक्स, मेरी बात ध्यान से सुनो. जिंदगी और मौत का सवाल है. किसकी? तेरी या मेरी? It's Sunny. She's possessed. उस पे किसी चुड़ैल का साया है. और तेरे पे पागलपन का. रॉक्स, रॉक्स. हेलो बेबीनेस. मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं लेकिन आई एम योर बिगेस्ट फैन. इनफैक्ट अभी अभी मैं अपने कमरे में तुम्हारा वो डॉक्टर नर्स वाला वीडियो देख रहा था. एंड देन आई थॉट टू माय सेल्फ रॉक्स यू आर एन इडियट. तुम यहीं पर बैठी और मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूं. एंड सो आई केम टू से व्हाई डोंट यू एंड आई प्ले डॉक्टर नर्स. रॉक्सी की आवाज सनी के रूम से.
रोशनी It's okay. It's me. It's okay. I'm here. Sasani. She's possessed, Murali. She's possessed. My matlab. Usme chudel hai. Okay? Satya. I'm Dr. Meera Datta. Ragini ki psychiatrist hu. Aap yahan kya kar rahi hain? Waqt nahi hai hamare paas. Yahan ek aatma qaid hai jise rehane kiya to wo yahan se kisi ko jaane nahi degi. We'll have to do something about it and quick. Oh God. जाने ही नहीं देगी इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा नहीं तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जो करना कर लीजिए डॉक्टर जस्ट सेव सनी प्लीज आई एम अ डॉक्टर सत्या बट आई विल ट्राई माय बेस्ट पिछले साल ऋषिकेश में एक बाबा जी मिले थे जिन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए थे जो आत्माओं को शरीर से अलग करते हैं उस वक्त सोचा नहीं था मेरे किसी काम आएंगे लेकिन इस वक्त शायद वही हमारा आखिरी चारा है आयुष्वाद इस मंत्रस काम करेंगे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज हमारे काम आ सकती है वो है विश्वास इट हैज टू वर्क प्लीज डू फास्टली डॉक्टर मोनाली Please!
आगे क्या होगा? तीनों साथ में मेरे ऊपर चढ़ोगे? Come on baby, come on, चल आजा, come on, चल आजा। ओम आदेश गुरु को, जहां महाप्रेतानी बसे, आप कहते हैं मेरी भक्ति की शक्ति। ओम नमो भगवती विरूपक्षी विक्रवदन घोर पैत जीव जन शिव जालुकारी सावधानी। ओम नमो आदेश गुरु को, महाचीन देवी जटा। सनी को कुछ हो गया तो? सनी को कुछ? सनी नहीं है। I love you. Come on, break it. ऐसा मत करो। तोड़ो, God damn it. Break it. Break it. Leave it. उसे पकड़े रखो।
सनी, सनी, please take me out of here. Yeah. Please take me away. सत्या, यहां से निकलते ही पुलिस को बुलाना होगा. इन बच्चियों का अंतिम संस्कार करवाना है. संभल के. चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका. चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका. सब देखो लड़कियों को कैसे ये निहारे. अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में, फिर भी देखो लीवर मेरा वोद का पुगारे. सूजी सूजी आंखें मेरी, फिर भी देखो लड़कियों को कैसे ये निहारे. अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में, फिर भी देखो लीवर मेरा वोद का पुगारे. चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका. चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका. सब चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका. चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने. Stop, no, it's good for me. Get up, not this in the room.
show.